सो हेलो हैप्पीनेस आर्मी, आज हम डिस्कस करेंगे गरीब लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते इस टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। गरीबों का आधा पैसा तो टैक्स चुकाने में ही चला जाता है और अमीरों को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ता, क्योंकि अमीर लोग जो हैं अपने पैसे को अच्छी तरह से निवेश करना जानते हैं और टैक्स में छूट पा लेते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हमारा दिमाग जो है वो हमारे पास मौजूद सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अगर इसका इस्तेमाल अच्छी तरह से किया जाए तो ये भारी दौलत उत्पन्न कर सकता है। आप कितने भी टैलेंटेड हो, मगर अगर आप नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार नहीं हो तो इस टैलेंट का कोई भी उपयोग नहीं होगा, क्योंकि सीखने से ही हर एक इंसान आगे बढ़ता है। गरीब लोग नई चीज़ें नहीं सीखना चाहते हैं और इसीलिए रैट रेस का शिकार बन जाते हैं। रैट रेस यानी 9 to 5 जॉब करना। रोज 9 to 5 जॉब करो और सैलरी से अपने सारे खर्चे पूरे कर लो। सैलरी से खर्चे पूरे न हो पाए तो लोन लो। उस लोन के चक्कर में आप पूरी ज़िंदगी रेड रेस में फंसे रहोगे और उसी कारण आप कभी अमीर नहीं बन पाओगे। गरीब और मिडिल क्लास लोग जो है वो अमीर नहीं बन पाते, इसके कुछ और भी कारण हैं। तो पहला कारण है डर। गरीब इंसान कोई भी काम करने से पहले बहुत डरते हैं और गरीब लोग रिस्क कम उठाते हैं, बल्कि वो सेफ खेलना पसंद करते हैं। दूसरा कारण है नेगेटिव एटीट्यूड। गरीब लोगों का माइंडसेट हमेशा नेगेटिविटी से भरा हुआ होता है। ये मुझसे नहीं होगा, ये मुझे लॉस हुआ तो, ऐसे वो हमेशा ही सोचते रहते हैं। तीसरा कारण है आलस। ऐसे तो गरीब लोग बहुत मेहनती होते हैं पर कुछ नया काम करने के लिए बहुत आलस करते हैं। उन्हें जैसी ज़िंदगी कट रहे हैं वैसी जीने में ज़्यादा मज़ा आता है। चौथा कारण है बुरी आदत। बुरी आदत केवल नशा नहीं होता, अगर आप पैसों को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो ये भी एक बुरी आदत ही है। पांचवा कारण होता है ईगो। गरीब लोगों को नई चीज़ें सीखने के लिए बहुत ईगो करते हैं। इस सब वजह से गरीब लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाते। अगर गरीब लोग अमीर बनना चाहें तो रॉबर्ट कियोसाकी का यह संदेश आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। लोगों के वित्तीय संघर्ष का मुख्य कारण है कि उन्हें स्कूल में कई साल गुजारने के बाद भी पैसों के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि वो पैसे के लिए काम करना सीख जाते हैं लेकिन पैसे को अपने लिए काम कराना नहीं सीख पाते। अगर आपको ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो इस रिच डैड पुअर डैड को ज़रूर पढ़ें, ताकि आप भी ये सीख सकें कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पे लगाया जाए। कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।